नमस्कार दोस्तों, एसपी स्काईवर चैनल में आपका स्वागत। आज मैं आपके लिए लाया हूं कि हम किसी भी इमेज फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हमें पीडीएफ फाइल अपलोड करने के लिए मांगता है, या कोई एग्जाम देते हैं या एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो वहां पर हमें पीडीएफ फाइल अपलोड करना होता है, या तो असाइनमेंट का या तो डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो उसे हम स्कैन करवाते हैं, स्कैन करवा के पेन ड्राइव में फिर हम डालते हैं, फिर पेन ड्राइव में डालने के बाद उसे हम लैपटॉप में या फिर किसी डेस्कटॉप में अपलोड करते हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम उस स्कैन फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करें कैसे, क्योंकि वहाँ जो अपलोडिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो केवल पीडीएफ फाइल ही एक्सेप्ट करता है, इमेज फाइल एक्सेप्ट नहीं करता है। आप इतनी सारी इमेज फाइल वहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी भी इमेज जेपीजी या बीएमपी फाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करें फास्ट। ठीक है, इसके लिए एक वेबसाइट है, अगर आपके घर पे इंटरनेट लगा हुआ है या आपके मोबाइल पे नेट लगा हुआ है तो आप मोबाइल से लैपटॉप पे नेट कनेक्ट कर लीजिए। तो वहाँ पर आपको एक वेबसाइट खोलनी है, smallpdf.com। ठीक है, आपको मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आपको जब भी करना होगा तो आप वो लिंक वहाँ से ओपन करके आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए चलते हैं कि ये चीज हम कैसे करेंगे। आपको क्या लिखना है, आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, smallpdf.com। ठीक है, smallpdf.com, उसके बाद इंटर मारना है। देखिए ये इस वेबसाइट का होम पेज है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है। आपको करना क्या है, आपको इमेज से आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। इसमें से आप देखिए जेपीजी टू पीडीएफ कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जेपीजी टू पीडीएफ है येलो कलर में, उस पर हम क्लिक करते हैं। पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है कि आप इस फाइल को कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप उसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, या तो अगर आपका वो फाइल गूगल ड्राइव में है तो आप गूगल ड्राइव से आप यहाँ से उसे अपलोड कर सकते हैं, या तो अगर आपका वो फाइल ड्रॉप बॉक्स में अवेलेबल है तो आप उस फाइल को ड्रॉप बॉक्स से यहाँ पर ला के आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा डेटा जो है वो डेस्कटॉप पर अवेलेबल है, हम यहाँ से डेस्कटॉप पर से क्लिक कर लेते हैं, या तो डायरेक्टली हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देखते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं। ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए हम सबसे पहले सब कुछ को मिनिमाइज करेंगे, जिसे भी हमें कन्वर्ट करना है पीडीएफ में। ये मेरा इमेज फाइल है, देखिए जेपीजी फाइल है, और इसे मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ पर आना है। उस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ जाकर सीधा छोड़ देंगे, हमारा फाइल यहाँ पर आ गया, सक्सेसफुली अपलोड हो गया। और क्रिएट पीडीएफ नाउ विद इन 2 सेकेंड क्रिएट हो गया। अब इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ये देखिए फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब इसे देखने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, स्टोर इन फोल्डर पर क्लिक करेंगे, ये हमारा फाइल यहाँ पे क्रिएट होकर डाउनलोड हो गया है। इसे हम लैपटॉप पर ले आते हैं, देखिए हमारा फाइल कैसा बना है, फिल्टर क्लिक करते हैं, हमारा फाइल बन गया है। ये देखिए ये फॉर्मूला था जैसे कि मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया, काफ़ी आसान था। मैं सत्या ने कि आपको कहीं कोई दिक्कत आई होगी समझने में, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।